हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से यह दोस्तों फूड एंड न्यूट्रिशन यानी भोज्य पदार्थ एवं पोषण, जिसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल आता है। इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ। यह दोस्तों इससे रिलेटेड पार्ट थर्ड है। एंड दोस्तों, इस सारी शिक्षा का इतिहास, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इन सभी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। एंड दोस्तों, 100 से ज़्यादा वीडियोज में प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन को अपलोड कर चुकी हूँ। एंड डेली बेसिस पे मैं चैप्टर वाइज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ। इन सभी के लिए आप मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए और जरूर सफलता प्राप्त कीजिए, यही मेरी विजन है। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों, फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है कि कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है। जैसा कि दोस्तों कैरोटीन पिगमेंट से किस विटामिन का निर्माण होता है, तो कैरोटीन पिगमेंट से निर्माण होता है विटामिन ए का। किसका निर्माण होता है? विटामिन ए का। जैसा कि दोस्तों जो विटामिन ए है, इसको वृद्धि कारक विटामिन यानी ग्रोथ विटामिन कहा जाता है, और इससे कौन कौन से रोग मेन जो पूछा जाता है, जैसे कि रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, और पूछा जाता है कि रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस में आंखों का कौन सा सेल प्रभावित होता है, तो रोड सेल। आंखों में दो सेल होता है, रोड सेल और कौन सेल। रोड सेल अंधेरे या उजाले में फर्क बताता है, एंड कौन सेल जो है रंगों की पहचान बताता है। तो रतौंधी में हमारा रोड सेल प्रभावित हो जाता है, रोड सेल में जो रेडॉप्सिन लेयर होता है वो खराब हो जाता है, और होता है वर्णता यानी कि कलर ब्राइटनेस, जिसमें हमारे रंग में फर्क करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसमें कौन सेल ग्रसित होता है। एंड कजिरोथैल्मिया एंड कंजक्टिवल 06, ये सभी रोग होते हैं आपके विटामिन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन में पाया जाता है। जैसा कि दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो है वह विटामिन सी में पाया जाता है, और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी दोस्तों करता क्या है? विटामिन सी जो है वह हमारे उत्तकों और कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखता है, और हमारे घावों को भरता है, आरबीसी का निर्माण करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। इसकी कमी हो जाती है तो इस कर्वी यानी मसूड़े में रक्त आने लगता है, इस कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के बारे में जानने के लिए दोस्तों विटामिन से रिलेटेड सभी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे आप देख सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक रखी जाती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, 6 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। इसमें से जो पोषक तत्व हैं, कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ऊर्जा देने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले और रक्षा करने वाले। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, एंड शरीर का निर्माण और टूट फूट की मरम्मत करने वाला है प्रोटीन, एंड शरीर की रक्षा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने वाला है आपका विटामिन एंड खनिज लवण। तो यहाँ पे पूछा क्या है दोस्तों, किसके लिए डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखी जाती है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा किस में रखी जाएगी? स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में, जो हमारे स्ट्रेंथ में यानी शक्ति, शक्ति में क्या होता है, हमारे मांसपेशियों को डेवलप किया जाता है, उसको मजबूत बनाया जाता है। तो मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम कौन करेगा दोस्तों? शरीर निर्माण का कार्य करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन की अधिक मात्रा किस में रखी जाएगी डाइट प्लान में? तो स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा रखा जाएगा, जिसमें हमारा शक्ति डेवलप होता है, जिसमें हमारे मांसपेशियों को बिल्ड करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थित। यह वक्तव्य किसका है? तो दोस्तों
यह वक्तव्य है WHO का, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य को केवल ये नहीं कहा गया है कि कोई बीमारी से मुक्त है तो वो स्वस्थ है, वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हर एक ग्रुप से वह स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ माना जाता है, ये WHO का कहना है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को भोजन में किसका ग्रहण आवश्यकता होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों को जो शरीर निर्माण की प्रक्रिया होती है उस समय सबसे तेज होती है, तो उस समय उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट दोस्तों, एड्स किसको इंगित करता है। यह इंगित करता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है। यह किससे फैलता है दोस्तों, HIV वायरस से फैलता है। दोस्तों इसके फैलने के वर्णित 3 कारण हैं, उसके अलावा कोई कारण नहीं है, जितने भी ऑप्शन देंगे वो सब गलत रहेगा। ये पहला कारण असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा कारण यदि एक सुई का प्रयोग किया गया है, अगर उसी सुई का दोबारा आपको प्रयोग किया गया तो उसमें किसी का इन्फेक्शन है एड्स से रिलेटेड तो हो जाएगा। तीसरा कारण यदि कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है, माँ को है एड्स तो वो बच्चे को हो सकता है। बस 3 कारण से हो सकता है, उसके अलावा सभी कारण भ्रामक हैं। नेक्स्ट दोस्तों, फेफड़े किस तंत्र का भाग होते हैं। जैसा कि वेरी इजी क्वेश्चन, आप सबको पता है यह श्वसन तंत्र का भाग है। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है दोस्तों, तो जो रक्त होता है वह हृदय से पल्मोनरी धमनी के रास्ते फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। तो रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है दोस्तों, फेफड़ों से। नेक्स्ट है, मेटाबॉलिज्म का संबंध किस तंत्र से है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है मेटाबॉलिज्म का संबंध पाचन तंत्र से है। मेटाबॉलिज्म में होता क्या है दोस्तों, जो हम खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में जाकर के वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ऊर्जा में कन्वर्ट होने के बाद स्टोर होता है, ठीक है, और स्टोर होता है जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसी ऊर्जा का प्रयोग हम कार्य में करते हैं, यही आपका मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म को 2 भागों में बटा गया है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो हम खाते हैं वो जाकर के हमारे शरीर में ऊर्जा में कन्वर्ट होकर के स्टोर होता है, वो एनाबॉलिज्म हुआ। जब हम उस स्टोर एनर्जी का किसी कार्य के दौरान या अभ्यास के दौरान प्रयोग करते हैं, वही हो गया आपका कैटाबॉलिज्म, ठीक है, यही होता है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट दोस्तों, रेबीज रोग होता है। जैसा कि दोस्तों रेबीज जो होता है वह वायरस जनित रोग है। यह रोग होता है कुत्ते के काटने से, ठीक है, इस संक्रमित स्तनधारी के से दूसरे जीवों में फैलता है, ठीक है। रेबीज क्या होता है, वह किसके द्वारा फैलने वाला रोग है, विषाणु के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, रेबडो वायरस द्वारा। किस वायरस द्वारा, रेबडो वायरस द्वारा फैलता है। रेबीज जो होता है हमारे तंत्रिका तंतु को प्रभावित करता है, और इसके बीमारी का लक्षण क्या है दोस्तों, इसमें पानी से डर लगता है, ज्वर होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। नेक्स्ट दोस्तों, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो नाइट्रोजन किसमें उपस्थित होता है, नाइट्रोजन प्रोटीन में उपस्थित होता है। जैसा कि दोस्तों प्रोटीन ही एक ऐसा है जिसमें नाइट्रोजन है, अन्य में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है, जो वह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जबकि प्रोटीन जो है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा विटामिन जो है हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होता है। तो कौन सा विटामिन एकत्रित नहीं होता है, वह है विटामिन सी। कौन है, विटामिन सी जो है वह एकत्रित नहीं होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है, तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं के आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो जो भी हमारे तंत्रिका सूत्र होते हैं हमारे अंगों से मस्तिष्क की ओर, मस्तिष्क से हमारे अंगों की ओर कौन ट्रांसफर करता है, तो यह करता है आपका पोटेशियम। इसे पोटेशियम हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड मांसपेशी के संकुचन में भी यह योगदान देता है। नेक्स्ट दोस्तों, अल्फा टेकोफेराल विटामिन किसे कहते हैं। जैसा कि दोस्तों विटामिन के रासायनिक नाम याद करने के मैं जो ट्रिक है पूर्ण रूप से बता चुकी हूँ। इन सभी विटामिनों को जानने के लिए आप विटामिन वाले सभी वीडियोस को जरूर देखिए। तो जो अल्फा टेकोफेराल है वह किसे पाया जाता है, यह विटामिन ई में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, विटामिन ई में। अल्फा टेकोफेराल किसमें पाया जाता है, विटामिन ई में।
और विटामिन ई क्या होता है दोस्तों, इसको बाझपन रोधी एंड एंटी एस्टरलेटिव विटामिन भी कहते हैं, NBT विटामिन भी कहा जाता है इसको। इसके कमी होने पर स्त्रियों में बाझपन हो जाता है, एबोर्शन हो जाता है एंड पुरुषों में नपुंसकता हो जाता है एंड अंग घात यानी पैरालिसिस भी हो जाता है और मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है? जैसा कि दोस्तों राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है और यह B2 यानी राइबोफ्लेविन किसमें पाया जाता है? अंडे में, गाय के दूध में, मांस में, उपरोक्त तो सभी में पाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसमें ऑप्शन D करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि दोस्तों विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है एंड दोस्तों यह सेलुलर ऑक्सीडेशन के लिए प्राथमिक रोल अदा करता है एंड इसकी कमी से किलोसिस रोग होता है जिसमें होंठ फटना, पाचन कमजोर, रोग निरोधक की कमी, जीभ में सूजन और आंखों में विकार उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, एंटी रिकेटिक विटामिन किसे कहते हैं? तो दोस्तों आप वेरी इंपॉर्टेंट है, यह एंटी रिकेटिक विटामिन, नेचुरल विटामिन या किडनी हार्मोन्स कहा जाता है विटामिन D को। और विटामिन D का सबसे उत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। विटामिन D की कमी से होता है बच्चों में रिकेट्स सूखा रोग, इसे सुखंडी भी कहते हैं, या अस्थिया टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है इसमें। एंड दोस्तों ऑस्टियोमलेशिया भी होता है आपका विटामिन D की कमी से, जिसमें हड्डियाँ जो है वह मृदुर यानी कि एकदम कोमल हो जाती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन D की कमी से होता है, जिसमें अस्थियों में कैल्शियम व प्रोटीन की कमी हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज भी विटामिन D की कमी से होता है। नेक्स्ट दोस्तों, जीरोथैल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह हमारा विटामिन A की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर की टूट फूट की मरम्मत में सहायक होता है? तो यह होता है हमारा विटामिन C। कौन होता है हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत और घाव को भरने में, ऊतकों एवं कोशिकाओं को परस्पर बांध के कौन रखता है और कौन रखता है? तो विटामिन C। और विटामिन C हमारे इम्यूनिटी पावर को बरकरार रखे रहता है, इसकी कमी से इस कर्वी रोग यानी मसूड़े में रक्त आने लगता है। नेक्स्ट है, प्रमाणन अधिनियम चिन्ह ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है वह 23 फरवरी 1947 में किया गया। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास A प्रोटीन किसे कहते हैं? जैसा कि दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति के दो स्रोत हैं, एनिमल प्रोटीन एंड वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल जो पशुओं से प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल जो वनस्पतियों, पेड़ पौधों यानी सब्जियों से प्राप्त होते हैं। जैसा कि दोस्तों प्रोटीन प्राप्ति के दो स्रोत हैं, तो यहाँ पे क्लास A प्रोटीन का मतलब है एनिमल प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनिमल प्रोटीन में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि दोस्तों हमारे शरीर में 20 से 22 अमीनो एसिड यानी कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड से बना होता है, और हमारे शरीर में 20 से 22 अमीनो एसिड पाया जाता है, जिसमें से 9 अमीनो एसिड आवश्यक होता है और 13 अमीनो एसिड अनावश्यक होता है। जो 9 आवश्यक अमीनो एसिड यानी एसेंशियल होता है वह 9 होता है जो भोजन से प्राप्त होता है, और जो 13 अमीनो एसिड अनावश्यक नॉन एसेंशियल होता है वह हमारे शरीर द्वारा स्वयं निर्माण होता है भोज्य पदार्थों के पाचन के बाद। तो जो आवश्यक प्रोटीन होता है वह उसमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसीन, मेथियोनीन, फेनिल एलनिन, थ्रोनाइन, वेलिन, ट्राइप्टोफैन और हिस्टिडीन आता है। यहाँ पे पूछा है कि क्लास एनिमल प्रोटीन में कौन से आते हैं, तो प्राप्ति के स्रोत में दो हैं, एक एनिमल प्रोटीन एक वेजिटेबल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में दोस्तों जैसे कि जो हमारे आवश्यक प्रोटीन होते हैं उसमें से 5 प्रोटीन आते हैं, जैसे कि मायोसिन, एल्ब्यूमिन, कैसिनेजिन, ग्लोब्यूलिन, वाइटेलिन। मायोसिन जो होता है वह मांस व मछली से मिलता है, ठीक है, वसा रहित मांस मछली से मिलता है। जो एल्ब्यूमिन होता है वह अंडे के सफेद वाले पदार्थ तथा दूध से मिलता है। कैसिनोजिन जो होता है वह दूध से मिलता है। एंड जो ग्लोब्यूलिन होता है वह रक्त में पाया जाता है, और वाइटेलिन जो होता है अंडे के बीच वाले जो सब पीला पदार्थ होता है उससे मिलता है। तो यहाँ पे ऑल
सही है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लास बी प्रोटीन, जिसे वेजिटेबल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? तो वेजिटेबल प्रोटीन, जो वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिटेबल प्रोटीन कौन से होते हैं? तो इसमें कौन कौन सा आता है दोस्तों? इसमें ग्लूटेन, लेग्यूमिन, जेलेटिन आता है। तो जो ग्लूटेन होता है वो अनाजों में पाया जाता है, जैसे कि गेहूं तथा अन्य अनाजों में। लेग्यूमिन जो होता है वह दालों से मिलता है, जैसे कि फलियों वाली सब्जियों व दालों में पाया जाता है लेग्यूमिन। ठीक है, यही ऑप्शन आपका ए और बी सही है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी। जैसे दोस्तों प्रोटीन किसका बना होता है? तो प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स का बना होता है। हमारे शरीर में कितने अमीनो एसिड्स हैं? 22, कभी 20 या कभी 22 पूछ देता है। ठीक है, जैसे दोस्तों किस न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन होता है? जैसा कि कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, नाइट्रोजन की उपस्थिति जो है वो प्रोटीन में होता है, और प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से बना होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट व वसा किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। नेक्स्ट दोस्तों कार्बोहाइड्रेट किन तत्व से मिलकर बना होता है? जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, यह कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट है 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 1 ग्राम फैट से आपका 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि जो हमारा वसा होता है, फैट्स होता है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है? हमारे फैट्स से, वसा से। जबकि तुरंत एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी स्रोत कौन सा है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट। तो हम ज्यादा संख्या में कार्बोहाइड्रेट ही खाते हैं। जो हमारा वसा होता है, वसा सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, बट वो तुरंत नहीं देता है, उससे एनर्जी प्राप्त करने में बहुत देर लगती है। इसलिए एथलीट को लंबी दूरी के धावक जितने भी होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सेवन ज्यादा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, और सबसे ज्यादा पूछेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी कौन प्रदान करता है? तो फैट प्रदान करता है। और तुरंत एनर्जी कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट करता है। जो फैट होता है दोस्तों उसको एनर्जी में कन्वर्ट होने पर, हमारे शरीर में एनर्जी में कन्वर्ट होने में 6 घंटा का समय लग जाता है, और जबकि 3 से 4 घंटे में आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से शुगर आते हैं? जैसा कि दोस्तों जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है उसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि मुख्य रूप से उसको सरल शर्करा और जटिल शर्करा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बांटा गया है। तो इस प्रकार इसको जो है 3 प्रकार में कन्वर्ट किया गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड वो सरल शर्करा होता है जिसका पाचन आसानी से हो जाता है, एंड जो पॉलीसैकेराइड होता है वो जटिल शर्करा होता है जिसका पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होता है वह शर्करा यानी ग्लूकोज का एक अणु से बना होता है, और डाइसैकेराइड जो होता है शर्करा का यानी ग्लूकोज के 2 अणु से पाया जाता है, और जो पॉलीसैकेराइड होता है वो शर्करा के 2 से अधिक अणुओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों कि मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो मोनोसैकेराइड्स के अंतर्गत आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोज, एंड डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, एंड पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। तो जो यहाँ पे पूछा है कि मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से शुगर आते हैं, तो मोनोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और ग्लैक्टोज आता है। जो ग्लूकोज होता है वह, ग्लूकोज को रक्त शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि रक्त में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वनस्पति यानी गन्ने और चुकंदर से प्राप्त, चीनी से प्राप्त होता है, यह तुरंत एनर्जी देता है। एंड जो फ्रक्टोज होता है फलों और शहद में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और सबसे ज्यादा पूछेगा फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है आपका शहद में। एंड ग्लैक्टोज जो होता है दूध से पाया जाता है, उसको मिल्क शुगर भी कहा जाता है। इस प्रकार मोनोसैकेराइड्स में कौन कौन से शुगर आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। नेक्स्ट दोस्तों डाइसैकेराइड्स में कौन से शुगर आते हैं? तो डाइसैकेराइड जो होता है शर्करा यानी ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, इसके अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज,
लैक्टोज आता है। तो दोस्तों इसमें जो माल्टोज होता है वह ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, या इसको माल्ट सुगर या अनाज की शर्करा भी कहते हैं। अनाजों में पाया जाता है माल्टोज। या सुक्रोज जो होता है यह ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज के मिलने से बनता है, इसे गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। और जो लैक्टोज होता है वह ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलने से बनाता है, और इसको मिल्क दूध में पाया जाता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोला जाता है। इस प्रकार डाइसेक्राइड्स में कौन कौन से आते हैं, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। नेक्स्ट है दोस्तों लैक्टोज किससे बनता है, तो लैक्टोज जो होता है वह दूध से बनता है। नेक्स्ट है दोस्तों सुक्रोज किससे बनता है, तो सुक्रोज जो है वो गन्ने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रक्टोज किससे बनता है, जो जो फ्रक्टोज हो जाए होता है वो फल व शहद से बनता है। सबसे ज्यादा मात्रा में फ्रक्टोज किसमें पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्टार्च किन चीजों से प्राप्त होता है, जो हमारा स्टार्च होता है वह अनाज, जड़ वाली सब्जियां, सेलुलोज, तने वाली सब्जियां तथा ग्लाइकोजन में प्राप्त होता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होता है, जैसा कि दोस्तों हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो हमारे शरीर में जा करके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पर स्टोर होता है, यह हमारे लीवर यानी यकृत में और मांसपेशियों में स्टोर रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ग्लाइकोजन में के रूप में लीवर और मांसपेशियों में उपस्थित होता है यानी स्टोर होता है। जब हमें जरूरत होती है तो वही स्टोर एनर्जी से हम ऊर्जा लेकर के कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फैट्स किससे बनता है, जो फैट होता है दोस्तों वह किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। ठीक है, फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फैट शरीर में किस रूप में जमा रहता है, जैसे कि दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर मांसपेशियों में जमा होता है, उसी प्रकार फैट जो है एडिपोज टिश्यू के नीचे फैटी एसिड व ग्लिसरीन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है शरीर का कितना भाग पानी से बना होता है, जैसे कि 65 से 70% भाग हमारा पानी से बना है, जिसमें से आपका इसमें होगा 2/3 ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट है दोस्तों पानी की कमी से क्या होता है, तो पानी की कमी से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम के स्रोत कौन से हैं, जैसे कि दोस्तों कैल्शियम हमारा दूध, अंडा, पनीर और सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम क्यों आवश्यक है, तो दोस्तों हमारे कैल्शियम जो होता है वो हमारे हड्डियों की मजबूती तथा रक्त का थक्का जमाने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट दोस्तों जो कैल्शियम होता है हमारे शरीर में 1.5% पाया जाता है, यानी कि 15 से 17% 17 ग्राम के लगभग हमको आवश्यकता होती है। एंड दोस्तों ऑपरेशन के दौरान खून न बहे इसके लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसा कि आप सबको पता है रक्त खून न बहे इसके लिए विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे रक्त बाहर न निकल सके, थक्का बन जाए। ठीक है, निकलते ही विटामिन के क्या होता है कि विटामिन के जो होता है वह रक्त स्त्राव रोधी विटामिन उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रक्त स्त्राव रोधी विटामिन कहा जाता है विटामिन के को। अब विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन के उत्पादन में मदद करता है। प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, और रक्त को थक्का बनाने में वो भी मदद करता है, जहाँ इसका निर्माण प्रोथ्रोम्बिन का लीवर में होता है और उसको बनाने में विटामिन के सहायता करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में होगा। दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों 90% जो सिलेबस है मैंने कवर कर दिया है, और जो भी 10% बचा हुआ है उसको बीच बीच में मैं पूरा करती रहूंगी, और डेली बेसिस पे चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज है आपके लिए वह आपके पास पहुंचाती रहूंगी। और आप भी जो है हमारे चैनल पे डेली बेसिस पे बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, और डेली बेसिस पे बने भी रहिए। तो दोस्तों अगर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।